हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं चुना माछ बना रहे हो। इसको हमारा उड़ीसा में बोलते हैं चुना माछ। देखिए छोटा पीस है, बहुत अच्छा लगता है इसको खाने के लिए, बहुत टेस्टी है और हेल्दी के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बेसिकली आई के लिए बहुत बेनिफिट होता है इसको खाने के लिए। इसको पूरा अच्छा से इसको आगे फिर क्लिक करके मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छा से इसको साफ करना है, उसका जो अंदर रहता है ना गंदा वो निकल जाता है। इसे साफ करना है, साफ करने के बाद फिर वॉश कर देना। इसको अच्छा से पूरा वॉश कर दिए, उसका जो अंदर था ना उसको निकाल दिए, अच्छा से क्लीन कर दिए इसको। देखिए उसमें एक हल्दी एक हाफ स्पून देना। आप क्वांटिटी देखिए दे सकते हैं, मछली का क्वांटिटी देखिए आप दे सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सॉल्ट डालना फास्ट फूड, और इसको थोड़ा मिक्स कर देना अच्छे से। देखिए अभी इसको फ्राई करेंगे, कर देना। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा मछली जो है वो हमने क्लीन कर लिया था, और अभी ये कढ़ाई पे हमने ऑयल लिया है, यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। और अभी इसमें हम फिश को देखिए डालेंगे। पहले थोड़ा सा फ्राई कीजिए, क्योंकि बिना फ्राई करके डालेंगे तो वो कच्चा रहेगा, तो पहले इसको फ्राई करना पड़ता है। आप चाहे तो कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप फ्राई पैन है तो फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। तो हम लोग कढ़ाई पे फ्राई करना प्रेफर करते हैं। और मछली को एक ही जगह पे मत डालिए, सेपरेट सेपरेट डालिए, नहीं तो पूरा लग जाएगा एक ही जगह पे अगर आप डाल लेते हैं तो। और ये अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, ऑयल को चारों तरफ ऐसे पकड़ के कढ़ाई को फैला दीजिए चारों तरफ ऑयल को। अब चाहे तो ऊपर भी थोड़ा ऑयल डाल दीजिए उसके। इसको आप ऐसे ही मिनिमम एक 10 मिनट तक फ्राई कीजिए। फ्राई करने का थोड़ा सा मछली के ऊपर जो है ब्राउन कलर आ जाता है, तो ब्राउन कलर आने के बाद फिर आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अभी आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है, आज एक नए स्टाइल पे बना रहे हैं हमारे मैडम। तो इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहिए दोनों तरफ से, कढ़ाई को पकड़ के इस तरह आप चलाते रहिए बीच बीच में ऐसे, मतलब ऑयल जो है वो पूरा मतलब चारों तरफ फैल जाना चाहिए, और जो उसका जो वाटर निकलता है वो वाटर पूरा ड्राई होने तक चलाइए उसे। चलाने के बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। आज एक नया स्पेशल तरीके से बना रहे मैडम हमारे, तो मालूम नहीं है प्रोसेस मेरे को भी, देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट। फ्रेंड्स, ये हमने एक पेस्ट बनाया है, इसमें आपका रहेगा जीरा रहेगा, और उसके बाद आपको एक 1.5 ऑनियन को चॉप करके डाल दीजिए, और इसमें सूखी मिर्ची जो होती है लाल मिर्च वो आप 4 से 5 डालिए, और थोड़ा अदरक डालिए, थोड़ा लहसुन डालिए, और इसको एक अच्छा ब्लाइंड करके अच्छा पेस्ट, स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। और अब ये पेस्ट को जो है हम लोग उसमें डालेंगे डायरेक्टली, देखते हैं। और अभी हम देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट यहाँ पे डालेंगे डायरेक्टली उसके ऊपर डालिए, जो बचा हुआ है उसमें पानी डाल दीजिए, और उसको मिक्स करके फिर से डाल दीजिए, और इसको अभी थोड़ी देर उसको रहने दीजिए। और अभी आप एक अराउंड 2 टोमेटो उसको ब्लाइंड कर दीजिए, और उसे भी आप इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए। ये एक यूनिक रेसिपी आज बन रहा है, और देखते हैं क्या होता है इसका टेस्ट। और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पाउडर डालिए,
और अब जाएगा इसमें एक स्पून मिर्ची पाउडर। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं मिर्ची। और अभी जाएगा नमक शमक। नमक शमक चलो डालते हैं, टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए इसमें। तो एक स्पून नमक अभी डाला हमने, एक 1.5 स्पून। और अभी देखते हैं इसमें थोड़ा सा जो ब्लाइंड करके हमने टमाटर रखा था वो टमाटो में थोड़ा पानी डाल के उसको हम पानी डाल देंगे उसके ऊपर। और इसको अभी धीरे से हमें मिक्स करना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से करेंगे जो हमने फिश है छोटा फिश वो टूट जाता है, तो धीरे से इसको मिक्स कीजिए आराम से। ये देखिए इसका कलर, ऐसे पानी डाल दिया हमने उसके ऊपर तो थोड़ा कलर ऐसे आ गया, अच्छा पूरा लग रहा है। अब इसमें हम थोड़ा खट्टा डालेंगे, ये हमने ड्राइड मैंगो जो होता है उड़ीसा में मिलता है ये डाला है। आप अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें इमली डाल सकते हैं। थोड़ा खट्टा डालेंगे तो और थोड़ा उसका जो टेस्ट है और ज़्यादा अच्छा रहता है। धीरे धीरे तो देखिए, क्योंकि हमने उसमें उसको नहीं हटाया था, डायरेक्ट उसके ऊपर मसाले डाल दिए थे, तो वो धीरे धीरे अच्छे से खुलेगा नीचे से। आप उसको कुछ भी मत कीजिए, वो अपने आप खुल जाएगा और वो टूटेगा भी नहीं मछली। अगर आप बिना उस मतलब बिना मसाले पहले डाले एक बार डाल के करेंगे तो वो टूट जाता है। तो इस प्रोसीजर से कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और आपका मछली टूटेगा भी नहीं और बहुत टेस्टी भी रहता है। अब इसको हम लोग ऐसे ही थोड़ा देर पकने देंगे। अभी ये देखिए एक 5 मिनट अभी पक रहा है और ये देखिए मछली जो है बिल्कुल भी टूटा नहीं है। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप बड़ी मछली होता है तो वो आप फ्राई करके डायरेक्टली कुक कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा होता है ना तो टूटता नहीं है। लेकिन छोटी मछली जो होती है जब आप फ्राई करेंगे तो वो टूट जाता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे मछली आपका टूटेगा नहीं और उसके अंदर अच्छा जो मसाला है पूरा अच्छा से उसके अंदर जम जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी देखिए देखने में। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी ये 5 से 6 मिनट कुक होने के बाद इस तरह उसका जो पानी है पूरा ड्राई हो गया है। और आपको जितना पानी चाहिए उसके हिसाब से आप रखिए उसमें। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है देखने में, और एक बार टेस्ट करने के बाद मैं बताता हूँ कैसा टेस्ट रहेगा। आज एक यूनिक तरीके से हमारे बाबा ने बनाया है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है टेक्स्चर उसका। और जो फिश है फिश भी उतना कुछ टूटा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। और आप लो फ्लेम पे कुक कीजिए 5 से 6 मिनट, और उसके बाद अभी हाई फ्लेम पे थोड़ी देर रख के फिर आप अपना गैस का फ्लेम को ऑफ कीजिए। तो ये हमारा करी अभी रेडी हो गया है और आप इस